नमस्ते, मैं चैत्राली और आपका स्वागत है मेरे किचन में। और आज हम वॉलनट टूटी फ्रूटी केक बनाएंगे। ये मैंने केक के पैन को तेल लगा के, मैदा लगा के इसको कोटिंग कर दी है अच्छे से। अब मैंने गैस के ऊपर ही इडली का कुकर रखा है जिस पे मैंने नमक डाला है। हम गैस धीमी आंच पर रखेंगे। ये मैंने एक बाउल मैदा लिया है, एक बाउल शक्कर है हमारी, एक बाउल दूध है, अंडे दो लिए हैं मैंने, तेल लिया है आधी कटोरी, वेनिला एसेंस एक चम्मच, ये टूटी फ्रूटी है, ये वॉलनट है, काजू लिए, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये हम अंडे लेते हैं दो। और उसमें हम ये पीसी हुई शक्कर डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हमें ये 5 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। अगर आपके पास एक ग्राइंडर मशीन ना हो तो चम्मच से भी आप अच्छे से हिला लेना उसको। बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए हमारा बैटर। ये हमने 2-3 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इसको फिर से 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। ताकि हमारा तेल, शक्कर और अंडे अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब हम इसमें मैदा लेंगे एक छन्नी में, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम इसको छान लेते अच्छे से ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम थोड़ा सा हल्के हाथ से उसको फेंट लेते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे करके दूध डालना, एकदम से ना डालें नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा। दूध की जितनी आवश्यकता है उतना ही डालें, पूरा ना डालें दूध। बैटर हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। अब हम उसमें 1 चम्मच वैनिला एसेंस डाल लेते हैं। ये मैंने वॉलनट भी डाल दिए, एक फ्रूटो भी डाल दी मैंने। अब हम सबको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब हमें ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस 1 मिनट तक हम उसको एक मिक्स कर देंगे। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक केक के पैन में निकाल लेंगे।
अब देख सकते हैं हमारा बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। हम इसके ऊपर से फ्रूटी से गार्निश करेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। ये मैंने काजू भी लगा लिए उसके ऊपर। हमने जो कुकर हमारा बैटर तैयार हो गया कुकर रखा है, इसमें हम 30 मिनट के लिए रखेंगे केक को बेक होने के लिए। 30 मिनट के बाद हम उसको चेक करेंगे। मैंने पहले ही कुकर रखा था गरम करने के लिए। अब हम चेक कर रहे थे हमारा केक हुआ है कि नहीं, ये हम चाकू की सहायता से देखेंगे। ये देखो हमारा साफ निकल रहा है चाकू, केक हमारा बनकर तैयार है। अब हमने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। दस पंद्रह मिनट ठंडा होने के बाद हमें उसको काटना है, अच्छी तरह से कट जाता है वो। फिर ये हमारा केक बनकर तैयार है। देखो कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।